से हुजूर बाबा फरीद का डिवोटी हो गया है, तो खान साहब भी उनको मिलने आते हैं घर पे? बी के इमरान खान मिलने आते हैं, तो तस्करा हुआ कि वो बीबी के पास जाते हैं, तो बुशरा बीबी को भी मिलना शुरू हो गया। अब बुशरा बीबी तो अपनी तनहाई, तो खान साहब उधर उनको मिलना शुरू हो गए। खुद बता, मुझे इमरान खान ने खुद बताया था, इमरान खान ये बात आपको खुद बताई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज खावर मनिका के भाई अहमद रज़ा मनिका नदीम मलिक के प्रोग्राम में अपने भाई खावर मनिका के मुतलक दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए कि मेरा भाई खावर मनिका एक लालची इंसान है। कैसे इसने इमरान खान को फंसाया? आए पहले अहमद रज़ा मनिका और नदीम मलिक की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। तो वो दोनों ने उसको वेलकम भी कर लिया, उसके बाद वो मेरे से पूछना शुरू हो गए, यार रज़ा आपसे कुछ बातें मैं पूछना चाहता हूँ। मैं कह जी बताएं, वो आपकी भाभी जो है वो क्या है, वो को रूहानियत? मैंने कहा जी वो डेफिनेटली वो और मेरे बड़े भाई खावर साहब, ये दोनों हुजूर बाबा फरीद के मुतक़द हैं और बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं। उन्होंने इमरान खान भी उनकी वजह से हुजूर बाबा फरीद का डिवोटी हो गया, तो खान साहब भी उनको मिलने आते हैं घर पर। जब ये बात हुई कि इमरान खान मिलने आते हैं, तो तस्करा हुआ कि वो बीबी के पास जाते हैं, तो आपने क्या बताया कि बीबी क्या करती हैं? कुछ मैं आपसे वजाहत करना पूछना चाहता हूँ इसकी। देखिए दोनों ही क्योंकि डिवोटी थे, तो इमरान खान भाई साहब को भी मिलता था आके, और फिर इसके अंदर से वो बुशरा बीबी को भी मिलना शुरू हो गया। अब बुशरा बीबी तो अपनी तन्हाई में इबादत भी करती थी, तस्बीहात जो करती हैं वो अपनी खलवत में इबादत भी करती हैं, तस्बीहात भी करती हैं, तो खान साहब उधर उनको मिलना शुरू हो गए। अपनी दुआ कराने जाते थे उनसे, करा के फिर निकलते थे। दम वगैरह करवाते जी? दम भी होता था, एक दफ़ा कराया था उन्होंने इस्लामाबाद में, जब सबसे पहले मिले थे उनको, उन्होंने दम कराया था, जिस वजह से वो मुतक़द हो गए थे उनके। अच्छा, दम करवाने से इमरान? दम कराने से, खुद बता, मुझे इमरान खान ने खुद बताया था। इमरान खान ने बात आपको खुद बताई थी कि उनकी कोई ये शिन आगे वाली बोन जो है ना, दौड़ते वक्त उसको बहुत पेन होती थी, तो ये इन्होंने बुशरा बीबी ने दम किया था, तो मुझे ऐसे लगा था जैसे मेरे सर से ना एक बोरी का वज़न हट गया। ये इमरान खान ने खुद मुझे बताया था जी। तो उसके बाद से इमरान खान ज़रा ज़्यादा मुतक़द हो गया था। मैं ये समझता हूँ वो तस्बीहात भी करती थी, इबादत ज़्यादा करती थी बीबी, और जो भी वो अचीव करना चाहती थी वो देखें, हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो उसको कोई ना कोई बुज़ुर्ग नज़र आ जाए, कोई ना कोई बुज़ुर्ग हस्ती नज़र आ जाए, उसके लिए तस्बीहात करनी पड़ती हैं, अमलियात भी करनी पड़ती हैं और इबादत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हमने ये भाई साहब से कहा था, देखें शरीयत में कोई खातून एक तो पीर नहीं बन सकती, शरीयत में किसी खातून के पास किसी मर्द का इस तरह जाना चाहे दुआ के लिए, वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था। इसको भाई साहब को ही मिलना चाहिए था ज़्यादा, ये बात खावर साहब को मिलना चाहिए था, बीबी से मिलना ही नहीं चाहिए ना, कम मिलना चाहिए था अगर, या खावर साहब की मौजूदगी में मिलता। तो वो जब खुद मिलना शुरू हो गए थे, अपनी दुआ के सिलसिले में मिलते थे, तो वो फिर अब आपके सामने था, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो अपनी दुआ के लिए आया करते थे बीबी के पास। ये जो दुआ करवाते थे वो इसलिए करवाते थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाए जी, सिर्फ, और कोई उनकी दूसरी राय नहीं थी, वो तो बनना चाहते थे वज़ीर-ए-आज़म, और बीबी ने उनको कहा था कि मेरी दुआ से ही आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो फिर बीबी की दुआओं से वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, फिर बीबी की दुआएं बड़ी पुरतासीर हुई है जी। हम कह सकते हैं बीबी ने तो ये भी कहा था कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तान के फैसले पाकपटन से होंगे, ये बीबी ने कहा था, और हम इसको समझते थे कि आप देख लीजिए बीबी ने क्या बात की है, लेकिन वो बात सच हुई कि वो उनकी दुआ से वो प्राइम मिनिस्टर बना, और वही हुआ कि फैसले पाकपटन वालों के ऊपर हो रहे थे। यही है किसी बिश्ती दरवाजे के सामने पूछूं, मज़ार के बिल्कुल हाथे के साथ बैठ के पूछूं आपसे, क्योंकि आपकी फैमिली जो है, ख़ुद आपके बड़े भाई खावर फरीद मानिका साहब, बुशरा बीबी आपकी भाभी, उनका बड़ा फेथ है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि यहीं बिठाता हूँ इसी ज़मीन के ऊपर जहाँ बुशरा बीबी खुद आके बैठती हैं, तो फिर मैं आपकी ज़बानी सुनूंगा कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। जहांगीर तरीन साहब से आपकी क्या बात हुई थी? जहांगीर तरीन साहब के पास 2018 के इलेक्शन से पहले? जी जी जी, आप और फारूक साहब गए, आपके छोटे भाई? जी, मैं और फारूक दोनों ही गए थे, और मेरी नीयत ये थी कि मैं क्योंकि पीटीआई में था उस वक्त, फारूक ज्वाइन करना चाहता था, तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस करना था फारूक को भी, और फारूक को मिला दिया, हमारी गपशप, हम तीनों की गपशप हो रही थी, मैं तो पीटीआई में था, फारूक भी आना चाहता था ना, तो ये जहांगीर साहब ने मुझे याद नहीं सर कौन सा टाइम था, क्योंकि उस वक्त
ये आई थिंक ये कुछ 14 के धरने के दाएं बाएं के पीछे, जो 14-15 के करीब उसी वक्त जी उस वक्त का टाइम है। अहमद रजा मनिका की गुफ्तगु सुनी। अहमद रजा मनिका ने खुद बताया कि मेरे भाई के होते हुए इमरान खान बुशरा बीबी से मिलने आते थे और उनसे दम भी करवाते थे। नाज़रीन आप इस बात का खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक भाई खुद बता रहा है कि मेरी भाभी इमरान खान से मिलती थी, इतना बड़ा झूठ, और अपनी इज्जत को भला कोई कैसे इस तरह से उछाल सकता है। जबकि अहमद रजा मनिका ने बताया कि इनका भाई अक्सर इमरान खान को खुद भी घर बुलवाता था, अपने घर बुलवाता था, यानी कि वो इमरान खान से पैसे बटोरता था। और अब जब बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ शरीयत के मुताबिक निकाह कर लिया है तो खावर मनिका अब बुशरा बीबी को ब्लैकमेल करके दोबारा से पैसे बटोरना चाहता है, जो कि इमरान खान ने बिल्कुल भी इनकार कर दिया, जो कि वाजिया नज़र आ रहा है। और अब ये मुखालिफ पार्टियों के साथ मिलकर उनकी मर्जी के बयान देकर और गवाहियां देकर मुखालफों से पैसे बटोरना चाह रहा है और इमरान खान के खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा कर रहा है। ये सारा कुछ खावर मनिका का भाई अहमद रजा मनिका खुद अपनी जुबान से बता रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि खावर मनिका का भाई अहमद रजा मनिका खुद कह रहा है कि मेरी भाभी दम करती थी और इमरान खान बुशरा बीबी से अक्सर दम करवाने के लिए आते भी थे। इससे ये बात तो कम अज़ कम वाजिया हो गई कि ये सारा कुछ पैसे की लालच में कर रहा है। पहले भी पैसे की लालच में इन्होंने इमरान खान को फंसाया और अब ये फिर पैसे की लालच में आकर बुशरा बीबी को ब्लैकमेल कर रहा है और मुखालिफ पार्टियों से पैसे खा रहा है। नाज़रीन आपका खावर मनिका के मुतल्लिक़ क्या कहना है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।